शहीदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के रोहनाथ गांव में आजादी के 70 साल बाद पहली बार यहां तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की राशि से रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट बनाकर गांव के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज करवाने की घोषणा की। जिस गांव ने 70 साल अपने गांव में ध्वज नहीं फहराया था, तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, आज 23 मार्च 2018 इस गांव में हमने पहले आते ही तिरंगा लहराया है। आपके बुजुर्ग ने तिरंगा लहराया है, इसलिए आज से ये गांव अपने आप को आजाद समझे, अपने आप को स्वतंत्र समझे। मैंने बुजुर्गों से भी अकेले अकेले से कहा है, आप सबसे भी कहता हूं कि आज आजादी के जश्न के नाते से, जैसे हमने 1947 में आजादी का जश्न मनाया था, आज से हम उसी जश्न के हिस्सेदार बने। आज से अपने आप को गुलाम न कहें। इस गांव की कहानी प्रेरणा देने लायक है। मैं शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि आने वाले वर्ष में, क्योंकि इस साल का तो पाठ्यक्रम बन गया होगा, आने वाले वर्ष में पाठ्यक्रम में एक छोटा सा पाठ रोहनाथ गांव की कहानी, ऐसा एक पाठ उसमें लिखे ताकि बच्चे पढ़ सके। लो, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं हम इसी साल से जोड़ देंगे इसको, रोहनाथ गांव की कहानी, बड़ी प्रेरणादायक कहानी। और मैं केवल यहीं तक नहीं रुकूंगा, मैंने तय किया है कि हमारे संपर्क में बहुत से फिल्म निर्माता हैं, मैं किसी एक फिल्म निर्माता को कहूंगा कि इस गांव की कहानी के ऊपर फिल्म बना दें। पैसा सरकार खर्च करेगी।